किसकी सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश में? अब इस बार उत्तर प्रदेश में जिसकी लहर है उसी की सरकार आएगी, जान भी रहे हैं आप लोग। किसकी लहर है? मोदी की लहर है, और किसकी लहर है। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं? अब अखिलेश यादव क्यों नहीं है, अब तो भैया जनता ही जान रही है क्यों नहीं है। उन्होंने काम नहीं किया क्या अपने कार्यकाल में? काम किए रहते तो फिर जनता उन्हीं को इस बार वोट देगी, अगर नहीं किए रहेंगे तो फिर इस बार फिर आएंगे मोदी जी। अच्छा, योगी जी ने ऐसा क्या किया आप उन्हें वोट दे रहे हैं? योगी जी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाए हैं, राम मंदिर बनवा दिए, अब वृंदावन में भी मंदिर कृष्ण जी का बनवाने वाले हैं, और 300 यूनिट बिजली माफ भी वो भी बोले हैं, अखिलेश भी बोले हैं, वो भी बोले हैं। अब देखा जाएगा किसकी सरकार आती है। आपको क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार आएगी? भाजपा की आएगी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव की नहीं आएगी भाई, दिमाग नहीं, क्यों नहीं आएगी? इंसान के पास ना दिमाग नहीं है उस इंसान के पास, इसीलिए भाई। अच्छा, और आप योगी आदित्यनाथ जी को क्यों मतलब इस बार मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं? बात योगी आदित्यनाथ की नहीं है, बात सिर्फ कामों की है, बस चाहे काम कोई भी करे, और जिस हिसाब से काम किया गया है तो वो भाजपा ने किया है, इस वजह से हमको लगता है भाजपा की। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार है? आज जिसका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है फिर उसकी सरकार बनने का कोई फायदा नहीं है ना भाई। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, अखिलेश जी या योगी जी? अब जिसके मुकद्दर में रहेगा वो बनेगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, तो योगी जी भी तो कह रहे हैं कि हम पूर्ण जितना मिला था उससे ज़्यादा हमको वोट मिल रही है, उससे ज़्यादा हम सीट लेके आएंगे। अच्छा, योगी जी तो अपना दावा कर रहे हैं। योगी जी तो अब देखिए उनका नाम लोग बुलडोजर बाबा रख दिए हैं, और माफियाओं के बारे में हरदम बोलते रहते हैं, तो अब क्या कहा जाए। लेकिन एक बात संदेशा हम देना चाहेंगे कि इसमें जांच होना चाहिए, बहुत सी निर्दोष लोग जेल में बंद हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो कसूरवार है उसको आप बंद कीजिए ना, लेकिन जो निर्दोष है, हमारा कई लोग से मुलाकात हुआ, वो लोग बोले कि मैं निर्दोष हूँ, अब मुझे जेल भेज दिया गया, मैं लिख लूँगा, तो मैंने जो नहीं किया मैं वो करूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हाँ, इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, इस बार चुनाव में रोज़गार एक बड़ा मुद्दा रहा है, और ऐसा मतलब कहा भी जाता है कि बीजेपी में लोग रोज़गार मतलब रोज़गार जो है कम मिला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सच है, रोज़गार नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई है और लोग त्रस्त हैं, इन सब चीज़ों पे सरकार के ध्यान देगा देना चाहिए, क्योंकि सरकार ही है, सब लोग उनसे उम्मीद लगाए रखे हैं। जो जीत रहा है मैं उसको वोट दूंगा, चाहे वो बाबा जीत रहे हैं या अखिलेश भाई जीत रहे हैं, मैं उसको वोट दूंगा। जिसका अच्छा, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे? रोज़गार अच्छा चले, और जो लड़ाई झगड़ा है ये सब नहीं हुआ है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू मुसलमान हो रहा है ये गलत है, क्योंकि आप इस देश के मुख्यमंत्री हैं, मान लीजिए अब राजा हैं, तो आपको हर एक आदमी को एक नज़र से देखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चाहे कोई भी हो वो सीएम या मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है। तो आपको लगता है कि बीजेपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति एकदम हो रहा है, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी पाकिस्तान का, तो कभी किसी चीज़ का, ये सब नहीं होना चाहिए। आप सीएम हैं, आपको पब्लिक ने इस मुकाम पे पहुंचाया है, आप सबको एक नज़र से देखिए, क्यों नहीं देख रहे हैं? अरे, आपको हिंदू होने का गर्व है, तो मैं मुसलमान हूँ तो मुझे मुसलमान होने पे भी तो गर्व है, मैं खुद मुसलमान हूँ। अच्छा, तो मैं ये कहूँ कि मुझे ये गर्व है, मुझे ये गर्व है, आपके नज़र में हर आदमी, हर हिंदुस्तानी एक सा होना चाहिए। आपका नाम? सर, हमारा नाम गुलाम सरवर है। आप मतलब अखिलेश यादव जी ऐसा दावा कर रहे हैं हम युवाओं को रोज़गार देंगे, तो इसका मतलब आप जी हाँ, तो देंगे, तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ये तो योगी जी भी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन फैसला जो है जिसके मुकद्दर में रहेगा वो ले जाएगा, तक सीमित ना रह जाए, कहे तो रहे दोनों लोग, लेकिन मुकद्दर में तो उसको करें, मुकद्दर में जिसको होगा वो इस बार ले जाएगा, ऐसा ये इलेक्शन है। क्या नाम है आपका? शिवानी शर्मा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। योगी जी को ही वोट क्यों देना चाहते? उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। अच्छा, मतलब क्या अच्छा किया? सिटी, बहुत कुछ। अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमने अपने टाइम पे एक्सप्रेस वे बनवाया, एम्स बनाया, लेकिन वो आज कहते हैं कि योगी जी ने आज उनका उद्घाटन किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अखिलेश जी ने कुछ ऐसा किया।
सबसे ज़्यादा ना मतलब जितना भी डेवलपमेंट है ना मोदी जी के आने से ही हुआ है। पूरे इंडिया और बनारस में भी बहुत कुछ डेवलप हुआ है, सबको पता है। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? सपा की सरकार बननी चाहिए। क्यों, योगी जी की क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रदेश में विकास चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, तब सपा की सरकार बनी। योगी जी ने विकास नहीं किया? ऐसा तो नहीं है कि योगी जी ने विकास नहीं किया है, किया है बस। तो फिर सपा की सरकार क्यों आनी चाहिए? सपा की सरकार अखिलेश यादव को इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और समाजवादी पेंशन योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए सपा सरकार जरूरी है। योगी जी बीजेपी भी ऐसा दावा करते हैं कि यूपी में उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएँ लगाई, लागू की हैं। की हैं, बहुत सारी योजनाएं की हैं, बसरते हम समाजवादी सरकार चाहते हैं। अच्छा, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो इन्हीं के मतलब कार्यकाल में किया गया, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा है ना, आप कैसे कह रहे कि उन्होंने किया था? अरे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ था और हाईवे, बहुत सी सड़कें भी बनी हुई थी। और एम्स? एम्स तो अपने यूपी में है नहीं, दिल्ली में है। फर्टिलाइजर हाँ बहुत सी हुई है, बसरते हम सपा सरकार चाहते हैं। योगी जी ने कुछ नहीं किया? किया है, क्यों नहीं किया है? तो आप तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव किसी सरकार में सरकार चाहते हैं। अच्छा, आप सपा सरकार जी। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, मेरा अगर व्यक्तिगत राय इस विषय में जानिएगा तो बदलाव की तरफ जनता का मूड है। अच्छा। जी, तो मतलब जनता बदलाव चाहती है? जी, बदलाव चाहती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसान आंदोलन का रहा है और जिस प्रकार से असंवेदनशील सरकार रही है उसको लेकर बहुत नाराजगी है, अंडर करेंट है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से गुमराह किया जाए पब्लिक को, लेकिन इनकी नीति रीति जो भी रही है उसे काफ़ी आक्रोश है, अंडर करेंट है। और हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से युवा हैं और हम लोग तो चाह रहे हैं कि इनकी बदलाव हो और निश्चित रूप से बदलाव के लिए मतदान किया जाए। जो वर्तमान में जो सरकार है उसने कुछ काम नहीं किया? काम जो किया उससे ज़्यादा ढिढोरा पीटा। अच्छा। हाँ, मीडिया में पेपर में दिखावा बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़मीनी हकीकत ऐसी है कि आपका बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की, उस पर कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो आप जहाँ बैठे हैं, ये 14 में आए तो भी यही रहा। नया चीज़ों में बस आपने क्या किया कि मंदिर को मार्केटिंग करके बेचा। ग्राउंड रूट पे कॉलोनियों में जाकर देख लीजिए, सड़क की वही हाल है, पानी की वही हाल है, बिजली की वही हाल है, कटौती उसी तरह से है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है, मतलब अभी पहले भी रिपोर्टिंग की है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जब यहाँ पर योगी जी की सरकार नहीं थी उससे पहले यहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी, जैसे आप गंगा नदी को देख रहे हैं यहाँ पर, जब उनकी सरकार आई, उनकी सरकार आने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से नदी साफ़ है और यहाँ पर स्वच्छता दिखाई दे रही है, तो इसका आप उलट ही बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा है? मैं बता दूँगा आपको कि कुछ चीज़ें समय के अनुसार बदलती हैं, ठीक है। और हाँ, ये बात सत्य है कि इन्होंने इस पर काम किया, लेकिन सिर्फ 80 घाट क्यों? तो आप मानते हैं कि काम किया? काम किया, लेकिन उसको अगर परसेंटेज में देखें तो 5-7%, और बात करेंगे आप 100% का। अच्छा। जितनी आपने यहाँ पर जो दिखा रखा है ये 2014-15-16 के आसपास की चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद से कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ को आप बार बार कहते हो, जिसको हमने 14 में भी देखा, 17 में भी देखा, 19 में देखा और 22 में उसी पर, तो रेशियो में विकास नहीं हुआ है जी। ये घाट 80 को लगता है कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे यूपी के तब विकास खूब हुआ है? अखिलेश यादव जब यहाँ थे तो उन्होंने रोड मैप अच्छा बनाया, क्योंकि एक्सप्रेसवे की जो उन्होंने बात कही, लैपटॉप की बात कही, 100 नंबर डायल की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, उन्होंने जो चीज़ें की, अगर दोबारा सरकार उनकी आई होती तो विकास और तेजी से उत्तर प्रदेश का हुआ। लॉ एंड ऑर्डर से याद आया, यहाँ पर कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ योगी की सरकार में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अरे सरकार तो जिसकी है उसकी वही दंगा कराता है, जो स्वयं सरकार में है दंगा कहाँ से होगा भैया? अखिलेश की सरकार में नहीं हुआ? अखिलेश की सरकार में बनारस में दंगा बिल्कुल नहीं हुआ था। नहीं हुआ था जी, बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ, 12-17 में कोई दंगा नहीं हुआ था। भैया क्या नाम है आपका? अरुण सरकार। अच्छा अच्छा, ये कब से आप काम धंधा चला रहे हैं अपना? मैं तो चल रहा है, मैं बहुत दिन से चला था। अच्छा, तो आपका यही घर है, कल आप मतदान करेंगे? नहीं, हमारा घर मुर्शिदाबाद है, बहरमपुर। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम है आपका? दीनदयाल गुप्ता। दीनदयाल गुप्ता जी, कैसी लहर दिखाई दे रही है आपको? कल मतदान है आपके इलाके में अंतिम चरण में, बताएं किसकी लहर है, कौन बना रहे हैं सरकार इस बार? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। एक मुख्य कारण जो आप बता सकें कि क्यों आएगी, क्या हुआ है? विकास हुआ है, बहुत कारण है सर, एक कारण नहीं है। कोई दिया जाएगा, एक कारण होता तो कहा जाता, लेकिन बहुत से कारण है।
बाबा जी के पहले और बाबा जी के बाद वाले बनारस में कितना फर्क दिखाई देता है? जमीन आसमान का।